Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग के अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक विवादित बयान सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कट्टर सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर ग्वालियर में आपत्तिजनक बयान दिया है। इसके बाद राजनीतिक सियासत गर्मा गई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का विवादित बयान सामने आते ही बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी एक्स हैंडल पर इससे प्रदेश अध्यक्ष की घृणित मानसिकता बता डाला। हालांकि इस बीच ग्वालियर में प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान के वीडियो को एडिट बताते हुए इसकी जांच की मांग कर डाली, तो वहीं भोपाल से जीतू पटवारी ने भी पूरे मामले पर एक्स हैंडल पर सफाई दी है और इमरती देवी को बड़ी बहन बताते हुए वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कहते हुए क्षमा मांगी है। दरअसल ये पूरा मामला गुरुवार रात का है, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ग्वालियर जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के निमंत्रण पर उनके परिवार के साथ भोजन करने पहुंचे थे। रात्रि भोज के बाद जब मीडिया से उन्होंने चर्चा की तो उन्होंने पूर्व मंत्री इमरती देवी के संबंध में ऐसे शब्द बोल दिए कि जिस पर पूरी राजनीति गर्मा गई। ग्वालियर पहुंचे एमपीपीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वायरल हो रहे पूर्व मंत्री इमरती देवी के कथित ऑडियो पर कहा, देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए वो अब कुछ बाकी नहीं। कर रही उनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर रही। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने बयान में बीजेपी और उसके नेताओं को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी चीन के माल की गारंटी की तरह हो गई है। बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में आती है तो देश का संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, वोट देने का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। भाजपा संविधान खत्म करने की कोशिश में है, वह आरक्षण के खिलाफ है। भविष्य में चुनाव होगा नहीं होगा कह नहीं सकते, इसलिए मतदाता जागरूक होकर अपने विवेक से देश के सही विकास और सही हाथों में सत्ता देने का काम करें। मोदी जी के 10 साल बाद संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, आरक्षण बचेगा कि नहीं बचेगा, वोट देने का अधिकार बचेगा कि नहीं, फ्रीडम मीडिया का जो लोकतंत्र को मजबूत करता है उसकी जो इंडिपेंडेंसी है वो बचेगी कि नहीं, मैं मानता हूँ आम नागरिक इसकी चिंता करने लगा है और एहसास करता है नरेंद्र मोदी के 10 साल को, जिसमें कोविड में इतना जन समर्थन किसी सरकार को कभी नहीं मिल सकता। इधर लोग मर रहे थे, पिता मर रहा था, बेटा ताली बजा रहा था, थाली बजा रहा था, मोदी जी जो कह रहा था वो कर रहा था। उसके बाद भी कोवैक्सीन का जो पूरा प्रकरण आया वो ये कहता है कि उस कोवैक्सीन के मालिक से जिसे 50 करोड़ मोदी जी ने बीजेपी में डलवाए, उसके कारण आगे भी लोग मर रहे हैं, चलते चलते मर रहे हैं। हालांकि जीतू पटवारी का बयान जैसे ही मीडिया की सुर्खियां बना, वैसे ही इमरती देवी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की घृणित मानसिकता बता दिया और लिखा कि जिन जीतू पटवारी को भाजपा की एक दलित नेत्री में रस कम नजर आता है, क्या वह सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भी इसी नजर से देखते हैं? महिलाएं दिग्विजय सिंह को टंच माल, कमलनाथ को आइटम नजर आती हैं। उनका अनुसरण करते हुए जीतू पटवारी उनमें रस और चाशनी ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस का मूल चरित्र ही महिला विरोधी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी की प्रतिक्रिया सामने आते ही जीतू पटवारी की ओर से कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे का बयान सामने आया और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान के वीडियो को एडिट बता दिया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी के षड्यंत्र बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी पर गंदी राजनीति के आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी के वीडियो को गलत बता रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और सच्चाई को जनता तक पहुंचने नहीं देती। बीजेपी इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में वो हारने जा रही है।
जैसे मतदान के चरण कंप्लीट होते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र बढ़ते जा रहे हैं, कभी वीडियो को एडिट करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा आलू को सोना बनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब एक बिल्कुल गंदी राजनीति पर उतर आई है और ये वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी के जो प्रभारी हैं उन्होंने कमलनाथ टचमाल कहते हैं, फिर ये चाशनी का उपयोग करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है और चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश करती है। जो सही बात होती है वो जनता तक पहुंचने नहीं देती है, जनता तक सच्चाई नहीं पहुंचने देती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सही वीडियो को एडिट किया है और उसको गलत तरीके से जनता के सामने पहुंचाया है और इस वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी यही करने जा रही है। इमरती देवी पर दिए गए बयान पर सियासत को बढ़ता देख कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया दे डाली। उन्होंने मीडिया के सामने आकर इमरती देवी को अपनी बड़ी बहन बताया है और कहा कि ग्वालियर में उनसे जो सवाल किया था उनकी भावना किसी तरह उस सवाल को टालना थी, लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरे संदर्भ को गलत समझा गया, जिसका मुझे खेद है और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल मैं ग्वालियर था, वहाँ पर एक ऑडियो को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुँची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हास उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा मुझे मेरे संदर्भ को गलत समझा गया, इसके अलावा कोई संदर्भ था। बहरहाल इमरती देवी पर की गई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की आपत्तिजनक टिप्पणी में जीतू पटवारी ने क्षमा मांग ली है, लेकिन चुनावी मौसम में बीजेपी जरूर इस बयान को मुद्दा बना सकती है। तो वहीं अभी तक इमरती देवी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, ऐसे में भाजपा अपने पास आए मौके को चुनावी मैदान में आसानी से जाने नहीं देगी। तो वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को शांत करने में जुट गई है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।